आपसे भी उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपने घर पे किस तरह से बनाते हैं बढ़िया सब्जी दुरुस्त देकर, तो भाइयों किस तरह से बनाएंगे वीडियो को अपनी एंड तक देखना और मैं आपको एक बार लुक दिखाता हूँ ब्लूटूथ स्पीकर का। अपने ये रहा अपना दोस्तों ब्लूटूथ स्पीकर, ये देख सकते हैं कितना बढ़िया आवाज है इसकी। या तो उसको वीडियो को पूरी एंड तक देखना, जो भी अपने चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस करना, अपने स्टूडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पीकर इस बार बनाने वाले ब्लूटूथ वाला दोस्तों, इसके लिए हमने दो स्पीकर लिए हैं, 5 बोर्ड के हमने वायर लगा दिए, एक ही वायर उतर चुकी है, हमने देख सकते हैं वायर लगा चुके हैं इस पे और ये देख सकते हैं हमारे पास इसका ब्लूटूथ, और हमने काटे हैं जो बढ़िया से एंगल में MDF बोर्ड, ये देख सकते हैं सेंटीमीटर अपने हिसाब से ले सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है। और तो हमने ये बोर्ड लिए हैं जिसमें हमने बटन के लिए काटा है, और एक जो भी मिल जाएगा ठीक है जिसमें चार्ज करेंगे उसके लिए काटा है, दो वायर। दोस्तों हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम चिपका लेंगे इस तरह से, इस तरह से हम बना रहे हैं, आपको बता दूंगा दोनों को हम चिपका लेंगे इस तरह से। दोस्तों इस तरह से हमने ब्लूटूथ मॉड्यूल के कनेक्शन करे हैं, ये देख सकते हैं पैम 8403 है, ये देख सकते हैं इसके हमने कनेक्शन कैसे करे हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये तीन साइड इधर मिलती है और तीन साइड इधर मिलती है, तीन वायर इधर चिपका देंगे और तीन वायर इधर लगा देंगे, दो वायर इधर लगा देंगे और इधर लगा देंगे, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, ये तीन इधर होगी और तीन इधर होगी, ये देख सकते हैं दो इधर होगी दो इधर होगी। आगे जो करना करेंगे जो दो स्पीकर की इधर वाली वायर है और दो स्पीकर की इधर वाली वायर है, ये जो अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल है इसकी जो ये वाला मॉड्यूल है ये देख सकते हैं पैम 8403 वाला ये वाला मॉड्यूल है, जो इस पे दो पीछे दे रखे हैं, ये प्लस और माइनस दे रखा है, ये प्लस माइनस दो इधर दो इधर। तो हम क्या करेंगे स्पीकर पे हम जो वायर है रेड वाली इस पे प्लस माइनस भी दे रखा है, प्लस माइनस इधर भी दे रखा है, दो इधर लगा देंगे और दो इधर लगा देंगे, इधर भी लगा सकते हो, चाहे आप इस वायर को इधर लगा सकते हो और इस वायर को इधर लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बस ये दो वायर को इधर और इधर वायर को इधर प्लस माइनस। तो हमने ये दो वायर इधर लगाई है और दो वायर इधर लगाई, वैसे ही हमें कनेक्शन करने। आगे जो हमें बताना है हमने क्या करा है, जो चार्जिंग मॉड्यूल है और जो अपना ये जो फेबल जैक होता है और ये बटन हमने इधर लगाया और ये जैक लगाया, हमने क्या करा जो इसकी दो वायर है थोड़ी सी बड़ी कर दी है और इधर प्लस माइनस पे लगा दिया है। आगे जो बटन दोस्तों हमने क्या करा है, जो बैटरी की उसके यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल पे वायर लगा दी है देख सकते हैं, और दो कॉमन वायर यहीं से निकाल दी है। दोस्तों हमने क्या करा है, जो हमने दो कॉमन वायर निकाली थी वो हमने कहाँ जोड़ी है मैं आपको बता देता हूँ, जो अपना ये वाला बोर्ड है, ये वाला जो अपना बोर्ड है वहाँ ये देख सकते हैं, जो अपना ये वाला बोर्ड है उसकी दो जगह हमने जोड़ दी है, कोई डरने की बात नहीं, मतलब कोई कनेक्शन में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम मैं आपको एक बार बटन ऑन करके दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं ऑन हो चुका है, ये देख सकते हैं कनेक्ट भी हो चुका है, मेरे फोन से कनेक्ट हुआ है, ये अभी हमने टेस्ट करके दिखा था, बंद कर देता हूँ अभी। जो दो कॉमन वायर है वो हम इधर लगा देंगे और डायग्राम हम मैं आपको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, क्योंकि अगर आपको कनेक्शन नहीं समझ आया, मेरे को लग ही रहा है आपको कनेक्शन नहीं समझ आया क्योंकि थोड़ा मैंने जल्दी जल्दी बताया है, कनेक्शन नहीं समझ आया, डायग्राम अब मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट ले। ये देख सकते हैं दोस्तों स्पीकर अपना किस तरह से दिख रहा है, बहुत बढ़िया लुक है, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब हम आपको चला के दिखा देते हैं, यहाँ से चार्ज होएगा, दोस्तों हम आपको चला के दिखाते हैं, पहले इसको ऑन कर देते हैं, ये देख सकते हैं ऑन हो चुका है, ये अब अपना जो ब्लूटूथ है सेटिंग वगैरह से हम ब्लूटूथ ऑफ कर देंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं ये कनेक्ट हो चुका है, ये देख सकते हैं नीचे जो आ रहा है कनेक्ट ऑप्शन,
डिस्कनेक्ट हो गया, अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे। अब हम आपको गाने चला के दिखा देते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता कि ये कनेक्ट मतलब कनेक्ट है नहीं है, तो आपको मैं विश्वास दिला देता हूँ दोस्तों। इसके ऊपर कोई चीज़ वगैरह रख देते हैं तो जिससे आपको पता लग जाए कि ये ऑन वगैरह ऑन है, ये मतलब गाने चल रहे हैं इसमें। जैसे अगर मैंने ये पता रखा और ये गाने चलाए, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार दोस्तों बहुत मेहनत से अपना स्पीकर बना, थोड़ा कॉस्टली बन चुका है, मतलब 200-300 के करीब बन चुका है। इसी बात पे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे मिलते हैं अगली वीडियो में बढ़िया से टॉपिक के ऊपर।